अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। वीकेंड का दिन शुरू हो गया है। ये मैंने पहना हुआ है बुनेंजा सतरंगी का ड्रेस, और आई एम सॉरी, मैंने जो कुछ ड्रेसेस निकाले थे वो मैंने सही नहीं बताए थे, लेकिन मुझे खुशी इस बात की हुई है कि मेरे व्यूअर्स माशाल्लाह इतना ज़्यादा मुझे फॉलो करते हैं कि उन्होंने मुझे करेक्ट किया है, तो थैंक यू सो मच जी। बहुत सारी चीज़ें मैंने मिक्सअप कर ली थी, लेकिन दूसरा बक्सा जब मैं आज खोलूँगी तो मैं आपको एग्जैक्टली बताऊँगी कि कौन सा जोड़ा मैंने कौन से ब्रांड कर दिया। ये भी बड़ा सोना लगता है पापा जी। अच्छा जी, हमारी गुड़ तो आया हुआ है, और गुड़ और सौंफ वाली चाय के लिए हमें चाहिए थे प्याले, तो शाजिया लेकर आई है। शाजिया दिखाएं ना, मैं भी अभी देख रही हूँ। वाओ ब्यूटीफुल, ते किन्ने दा, एक किन्ने दा है? ए मैंने सोना लगा भाजी, 50 रुपया मांगदे सी ते मैं कह मैं ते भाई 40 रुपया देना का एक। हां भाजी, और ये थोड़ा बड़ा है? हां बड़ा भाई, एना दे 120 मांगदे सी, मैं कह मैं 100 देना। वाह जी वाह, इसके अंदर दही डाल सकते हैं। हां मैं इसीलिए लिया, मैं तो मेरी बाजी दही दही हो गया, रायता हो गया, है ना? बिल्कुल भाजी। और ये 1 2 3 4 5, तो ये मुख्तलिफ डिजाइन। ए बाजी खत्म हो गए थे, ये बन सोना लगा, एक बाकी पैसे मैं के चल भाई दे दे। चलो जी, हम चाहते ही हैं कि थोड़ा सा जो है ना वो गांव का टच आए। हां बिल्कुल, क्योंकि पराठा हो और साथ हो गुड़ वाली और सौंफ वाली चाय। सही बात। तो चलते हैं काम पे, और फिर मुलाकात होती है आपसे वापस आकर। रानी ने आज बनानी है खीर, उसके लिए हमने बादाम किशमिश हर चीज अलग कर ली है। वापस आते हैं तो देखते हैं कि खीर कैसी बनी हुई है। तो कहीं पर भी नहीं जाना, हमारे साथ ही रहे। रानी क्या क्या आया है? ये सर आया है आलू। आलू आए हैं, ये लहसुन, लहसुन प्याज, प्याज अदरक, चलो ठीक है, ओके। चलो और अंडे, अंडे चलो ठीक है। ये आ गया प्याज, लहसुन और आलू, धनिया, ठीक हो गया। बड़ी कंफर्टेबल है ये चेयर। अच्छा, तो टाइम हो गया है 5:40 हो गए हैं, और अभी हमें फोन आया है, वो जो हमने खिड़की में ब्लाइंड, पहले हमने सोचा ब्लाइंड लगवा लें और उसके बाद आगे हम कर्टन लगवाएंगे। मुझे, मैं सोच रही हूँ कि ये खिड़की को साफ ना कर लिया जाए, और ये पर्दे और पर्दा, दोनों पर्दे उतरवा देते हैं। ठीक है, एक ये है और एक इसके पीछे ये वाला है शिफोन का। ठीक है, ये दोनों उतरवा दें। दोनों उतरवा देते हैं, और ब्लाइंड अभी खिड़की को साफ भी कर लेते हैं, क्योंकि एक दफा जब ब्लाइंड लग जाए तो फिर फिजिटिंग करना या बहुत ज्यादा खिड़की को झाड़ने से वो ब्लाइंड खराब हो जाता है। ठीक है, तो अच्छी तरह से ये साफ कर लेते हैं और उतार देते हैं। बस अब मुईज भी इंशाल्लाह, अभी पहले तो ये है कि अभी हमारे बच्चे सारे शिकागो में मरियम के घर में इकट्ठे जमा हुए हुए, और उसके बाद 1-1.5 महीने के बाद मुईज का इंशाल्लाह पाकिस्तान आने का प्लान है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, हम गए थे कर्टन म्यूजियम, वहाँ पर पर्दों को पसंद करने के लिए, लेकिन हमें कोई खास वहाँ पे पर्दे पसंद नहीं आए, तो हमने एक और जगह से हम अब लगवा रहे हैं, वो फिर मैं आपको उसकी डिटेल बाद में बताऊंगी। तो अभी हम ये पर्दा उतार लेते हैं और खिड़की कर लेते हैं साफ। वैसे तो ब्लाइंड लगाने वाला भी ये पर्दा उतार देगा। हाँ, लेकिन मैं पहले से बजाय इसके टाइम वेस्ट करे, और वो तो आप उतारने लगे हैं, 2 मिनट में उतर जाएगा, देख लें। हाथ पहुंच जाएगा। ओ यस, वेलकम। चले फिर उतारे, ये देखो कैसे पहुंचते हैं हाथ। ये पर्दा और ये दो पर्दे हैं ना जो जी भाई साथ वाले रूम में, वो उतारने हैं। ठीक है सर, अभी उतार दूं? जी ठीक, उतारने, ये पर्दा उतारने का काम हो रहा है। ये काम फंसा है। चलिए ये दस्य अब निकल आएगा, स्लिप आउट हो जाएगा, और ये जो पीछे वाले हैं ये भी तकरीबन तकरीबन उतर चुके हैं। फिर खिड़की झाड़ते हैं और लगवाते हैं। ये दे दो मुझे, इसको ड्रॉज में डाल देते हैं मुझे इसकी। बिल्कुल, चले ये अब शिफोन के पर्दे उतारने का टाइम आ गया।
चलो जी, अब इस खिड़की को अच्छी तरह से एक दफा झाड़ लेते हैं ताकि फिर इसके ब्लाइंड लग जाएं। खिड़की हो गई है साफ और हमें फोन आया है कर्टन वाले का कि जी मैं ब्लाइंड लेके आ रहा हूँ, तो वो यहाँ पे लगाएगा ब्लाइंड। और ब्लाइंड मैं आपको याद दहानी के लिए बता दूं कि ये वो वाला ब्लाइंड है जिसकी जो सन ब्लॉक टाइप है, यानी कि सूरज की शुआएं दिन के टाइम पे अंदर नहीं आती। रानी जरा मेरी बात सुनना। रानी ये जो दो पतले वाले पर्दे हैं ना जी, ये वाले जी, ये तो उठाकर धोने वाले कपड़ों में उधर वॉशिंग मशीन में डाल दें, उधर ही धुल जाएंगे सर्फ से। ये लदा कर दो, ये लदा कर दो, एक और दूसरा भी है अंदर करके ये। और ये जो बड़े वाला पर्दा है ना जी, ये इनको तय कर दो, ये ड्राई क्लीन होने हैं। ठीक। आज ना हमारे घर बना हुआ है गोभी का सालन। गोभी जो कि बड़ी मजेदार बनती होती है, लेकिन फिर भी रानी जी मुझे ना हल्का सा मक्खन लगा देना। अच्छा, रोटी मुझे पता है। और साथ बनी है डिजर्ट के तौर पे ये हमारी खीर जी, ये बनी है जी। बहुत ही मजेदार लग रही है। दूध इतना रानी ने गाढ़ा किया है और वो बिल्कुल ऐसे हो गया है ना जी, पीला सा जैसे खोया होता है, और ये बड़ी मजेदार होती है। तो अभी ब्लाइंड लगवाते हैं ऊपर मुइज वाले कमरे में और फिर आकर खाते हैं मजे से खाना। कहीं पर भी नहीं जाना, हमारे साथ ही रहे। वो ड्रिल करेगा तो आई थिंक चादर डलवा देते हैं बेड पर भी और सोफे पर भी ताकि खराब ना। गुड आइडिया है ना, मिट्टी पड़ेगी नहीं तो। मैं उसको बताता हूँ, बताओ यूं करो ना, नीचे से एक बड़ी चादर ले आओ, है ठीक, बड़ी चादर इसके ऊपर डाल देना। हाँ, और ये दूसरी चादर इसके ऊपर डाल देना, वो ड्रिल करेगा उससे मट्टी में ना गर्दानी के ऊपर पड़ेगा। हाँ, गर्दानी पड़ेगा। कौन है सर? पर्दा लगाने वाले। अच्छा अच्छा, ओके ओके, आजा भाई। क्या हाल है? ये जो शिफोन के पर्दे का ये बैक वाला था ना, इसको मुस्तफा कह रहे हैं कि उतार दिया जाए, क्योंकि आगे जब पर्दा लगेगा जो कि मोस्ट प्रोबेबली वेलवेट का लगेगा, उसको जब हम डे लाइट के लिए हल्का सा भी हटाएंगे तो ये फिर बहुत बुरा लगेगा नजर आता हुआ। तो इसको मुस्तफा डेलिकेटली उतारिएगा कि वाइट मतलब दीवार खराब ना हो, तरीके से उतारिए। हाँ, तरीके से उतार लेंगे, ये सिर्फ रिलिंग उतार लेना, वो जो बीच में हुक्स है ना वो रहने देना। क्या ख्याल है? वरना वो पीछे निशान आ जाएगा उसका। वो हम एक आध ट्राई कर लेंगे, अगर हाँ। वो ज्यादा बुरा लगता होगा तो हम उसको छोड़ देंगे। चलो ठीक, वरना वैसे वो रिमूव होने चाहिए। ओके ओके ठीक है। ये आ गई चाय गर्मा गर्म, दे दे। ये हो गए सात बिस्किट्स, चल दे दे। आप ही घर में, मतलब सुमान साहब के घर पे भी मैं काम कर चुका हूँ। अच्छा, वहाँ पे भी वो 2006 में, ये मेरे वालिद साहब को जानते थे, वो सारा काम मैंने किए। इवन वो कलम डिजाइन का एक पर्दा था, ऊपर बटन उसके लगे हुए थे। हाँ जी, वो अम्मी के घर पे, आंटी के घर, अम्मी के घर कर चुके हैं। मुझे भी इनका नाम और फोन नंबर वगैरह अगर आप, मैं भी F11 में ये होते हैं। ये मुस्तफा हैं जिन्होंने ये काम किया है और ये हमारा ब्लाइंड लगाया है। अभी इन्होंने पर्दे भी लगाने हैं और देखें बड़ा स्मूथ और बड़ा अच्छा इन्होंने काम किया है और बड़ी फिनिश इससे देखें। और इनका नाप शाप वगैरह, दो तीन चीज़ें होती हैं, नाप होता है और इसकी फिनिश होती है, और तो कुछ भी नहीं है इसमें।
बन के तो वैसे ही आता है। तो मुसफा ये अगर आप काइंडली अपना बता दें नंबर, मोबाइल नंबर कोई आपको कॉन्टेक्ट करना चाहे, काम करवाना चाहे तो। जी हमारी शॉप का नाम है जीएम ब्रायन कर्टन और एप्लेवन को सुलमान मार्केट में है और नंबर है 0300-5073-971 और अगर आप गूगल पे चाहें तो जीएम ब्रायन कर्टन के नाम से सर्च करें तो आपके पास सारी डिटेल निकल आएगी। सारी डिटेल निकल आएगी, ठीक है, ओके, थैंक यू। ये पहचान रहा था आपको? ये पहचान रहा था, वो जो पर्दे वाले के साथ दूसरा दादी था वो मस्जिद में होता है ना, तो जहाँ पर ये अभी जो आए हुए थे ब्लाइंड लगाने वाले, इनकी जहाँ पर शॉप है वहाँ पर करीब ही एक मस्जिद है जो कि अब्बू ने बनवाई थी, बहुत बड़ी मस्जिद है। उसकी भी एक बड़ी लंबी दास्तान है कि वो एक कैंपेन चली और फिर रुक गई बननी, फिर उसको उसके अंदर मुश्किलात आई लेकिन अल्टीमेटली वो, और उसमें मुजीब ने भी हिस्सा लिया, तो ये पूरा एक व्लॉग बनेगा। जी हाँ, इस्लामाबाद में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पहले कभी नहीं बताया लेकिन एक मस्जिद है जो मेरे वालिद ने बनवाई थी, तो ये किसी दिन जब व्लॉग करेंगे मैं अपना घर भी दिखाऊंगी आपको, अपने अबू वाला और वो मस्जिद में दिखाऊंगी। हाँ क्या फिर आ गया जी, आओ फिर से संभालो ये मुल्क, बचा लो। अच्छा चलिए बचा ले। ले जी सिंपल सा खाना है आज हमारा, गोभी आलू खाते हैं और फिर बताते हैं। मुजीब बस जान छोड़ दे खबरों की, आ जाए खाना हो जाएगा ठंडा। चलो आ जाओ। तो ये हमारी साथ हल्का सा मक्खन लगाकर अगर खाएं ना, मतलब मुझे तो बहुत अच्छा लगता है गोभी आलू के साथ। हाँ, मुझे भी अच्छा लगता है। लेकिन मुजीब नहीं खाते क्योंकि मुजीब की वो हुआ हुआ है कोलीसिस्टेक्टमी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो दूसरी भी पड़ी है अंदर, क्या दाल कल वाली? अच्छा, वो निकाल लें। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यम्मी। तो इन्होंने अच्छा काम किया है ना, जल्दी कर दी है। हाँ, 10-15 मिनट में तो लगा गए हैं। इट सीम्स टू बी वेरी एक्सपर्ट। या लेकिन हमें नहीं पता था कि ये हमें पहले से जानते हैं, क्योंकि हम इस्लामाबाद के पुराने तरीन लोगों में शुमार होते हैं। मुझे अम्मी का पर्दा लगाया था इसने। अम्मी का और आज से कोई 20 साल पहले जी, मुझे कहता मैंने आपको देखा हुआ सर मैं। तो ये अब्बू को भी जानते थे, आसिम को भी जानते थे, अम्मी के घर के पर्दे वो लगाते रहे हैं ये, और जो कर्टन म्यूजियम वाले हैं उनको भी ये जानते हैं, बल्कि उनके पास ही शायद ये रहे हैं कुछ अरसा। नहीं, ये ब्लू एरिया में है कोई, उनके साथ थे। अच्छा अच्छा, कैसे लगी गोभी? मजे की है ना? बहुत मजे। डालो। बड़ी मुश्किल से मेरा वेट कंट्रोल हुआ है। नहीं, इससे वो इतना वेट नहीं बढ़ता भाई जी। अच्छा, बहुत मच, हम कौन सा इतने ज्यादा खा रहे हैं। हाँ ये तो बात है, मेरी तरफ ना देखो। देखते हैं चीनी कितनी डली हुई है। हाँ, चीनी ठीक है, ये ज्यादा है। ठीक है, अगर जरा सी ज्यादा होती ना तो ज्यादा हो जाती। रानी इसमें नमक नहीं डालना? डाला भाई। बहुत मजे की बनी हुई है खीर। अच्छा। चलो फिर तो हम लोग तो खाना खाते रहेंगे, इसी तरह ही चलता रहेगा सिलसिला। आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखें, फिर मुलाकात होगी। ऑन किया हुआ था इसने? हाँ ठीक है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें और हमें अपनी दुआओं में याद रखें नेक्स्ट ब्लॉग तक के लिए, मेरे और मुजीब की तरफ से अल्लाह हाफिज़। तो जी बस लेट नाइट हम लोग चले गए थे मूवी देखने के लिए। मूवी हमने देखी मौजा ही मौजा, कॉमेडी की मूवी है, इट्स अ गुड पास टाइम, मुझे अच्छी लगी है, तो इसलिए मैंने कहा कि मैं आप लोगों को भी रिव्यू दे दूं, अगर आप में से कोई देखना चाहे तो ज़रूर चला जाए। तो इस तरह से ख़त्म हुआ हमारा ये वाला वीकेंड।